Assalamu alaikum guys, I'm here with the review of Matam Makkah, which is located in Sharafiya. आज मैं आप लोगों को मतम मक्का के बारे में अपना रिव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि तीन साल के बाद तकरीबन मैंने वहाँ पे विज़िट किया, क्योंकि ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट हुआ करता था, स्पेशली पाकिस्तानी कुजीन रेस्टोरेंट है और काफ़ी फेमस है अपने फूड की वजह से। तो हम जो है वो डिसाइड किया कि चलें जो है वो वहाँ पे जाके जो है खाना ट्राई करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। वेन्यू वाइज तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने सजाया हुआ है लोकेशन रेस्टोरेंट की, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है तरीन जगह इन्होंने सजाया हुआ है अच्छे, जैसे आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर्स लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी पेंटिंग्स। ये मेल साइट है और जो है ये अपना फीमेल साइड है। इट इज़ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, कलरफुल जो है इनका रेस्टोरेंट है, माशाल्लाह बहुत प्यारा सा सजाया हुआ है। फूड वाइज़ अगर मैं कहूँ तो ये उनकी मेन्यू आपके सामने है, आप देख सकते हैं। प्राइस थोड़ी सी हाई है, ये जो है वो बाकी रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में काफ़ी एक्सपेंसिव लगा थोड़ा बहुत। और फूड वाइज जैसे हम लोगों ने ऑर्डर किया, चिकन कढ़ाई ऑर्डर की, फ़िश फ्राई, शामी कबाब, ब्रेन मसाला एंड चिकन बिरयानी। तो पहले तो सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी सर्विस बहुत पुअर हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा उनकी सर्विसेज क्विक होती थी, वेटर्स जो है वो रिस्पांस देते थे। अब जो है हम लोगों ने उनको जो है वो चिकन कढ़ाई बोली तो वो मीट कढ़ाई ले आए, फिर जो है चिकन बिरयानी बोली तो वो मटन पुलाव ले आए, और काफ़ी बार उनको ड्रिंक्स के बारे में भी बोलना पड़ रहा था। और फूड वॉज़ नॉट दैट मच गुड, आई डिडन्ट इन्जॉय द फूड, दे हैव रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ फूड। उन्होंने बहुत ही फूड की क्वालिटी गिरा दी है, जो कि बहुत ही मतलब मज़ा नहीं आया हम लोगों को खा के। तो ओवरऑल फूड अगर मैं रैंक करूं तो उनका मुझे जो है वो 5 out of 10 लगा है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं सही लगा। और स्पेशली हम लोगों ने जो है वो कश्मीरी टी भी ऑर्डर की के चले हैं, जो है वो खाने के बाद इंजॉय करते हैं, तो वो भी मतलब कुछ ख़ास नहीं लगी। मुझे सही लग रहा था कि जैसे दूध दूध जो है वो उन्होंने हमें ला के दे दिया है, और मतलब उतना ख़ास नहीं, जिस तरह से कश्मीरी टी का पिस्ता फ्लेवर होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं फील हुआ। आई कैन से दैट ड्यू टू ट्रैफिक दे आर नॉट हैविंग गुड सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ नॉट देयर एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज़ ऑल्सो नॉट देयर। यू कैन नॉट से दैट द फूड वॉज टेस्टी। दैट वॉज द रिव्यू फॉर द मकर रेस्टोरेंट विच इज़ लोकेटेड इन शरफिया, जिसका जो है वो जिक्र अक्सर लोग करते रहते हैं, पर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वहां जाएं, अपना टाइम और अपना पैसा ज़ाया करें, क्योंकि लोकेशन और ये सब कुछ नहीं होता कि लोकेशन अच्छी है और अच्छी डेकोरेशन है तो आप फूड एंजॉय करें। फूड अच्छा होता है तो आप एंजॉय करते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द अपडेट्स व्हिच आई एम गोना गिव इट टू यू इंशाल्लाह, about the most famous places of Jeddah, restaurants, malls and anything is happening in Jeddah. So keep yourself updated and subscribe to our channel. Thank you. Love is.